अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं बना रही हूँ हनी कम बंस। तो हनी कम बंस बनाने के लिए हमें चाहिए 1.5 टेबल स्पून मेल्टेड बटर, 1 टी स्पून सॉल्ट, 1.5 टेबल स्पून शुगर, ये 1.5 कप मैदा है जिसको मैंने छान लिया है। अब मैं खमीर की चीज़ें बता देती हूँ। 1/2 टी स्पून चीनी है, शुगर है और 1 टी स्पून इंस्टेंट यीस्ट है और 1/2 कप प्लस 1 टी स्पून मिल्क है। और सिरप के लिए मैं बता देती हूँ, सिरप के लिए हमें 1/4 कप शुगर है, 1 टेबल स्पून हनी है और 1/2 कप पानी है, 1/4 टी स्पून लेमन जूस है। ये क्रीम चीज़ चाय 1/2 कप है, इस तरह के पैकेट में आता है। चीज़ की जगह नोटेला भी डाल सकते हैं। स्पाइसी बंस बनाना है तो आप इसके अंदर चिकन स्टफ़ या कीमे की फिलिंग भी डाल सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम इसको किस तरह बनाएंगे। ये मिल्क है, वार्म मिल्क है। मिल्क को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, अगर बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो ये हमारा जो डो है ये नहीं बनेगा। तो अब हम मिल्क के अंदर चीनी डालेंगे, इंस्टेंट यीस्ट है ये डालेंगे, मिक्स करेंगे थोड़ा। अब हम इसको थोड़ी देर रखेंगे कि इसमें बबल्स बन जाएं। बाउल के अंदर हम मैदा डालेंगे, इसके अंदर नमक डालेंगे, चीनी डालेंगे, मिक्स करेंगे इसको थोड़ा। बटर है ये डालेंगे, अब हम इसको मिक्स करेंगे। यीस्ट है ये, इसमें बबल्स बनना शुरू हो गए और ये मैंने आटे को भी मिक्स कर लिया है। अब हम इसको गूंदेंगे। तो ये हमारा आटा गूंद गया है, सॉफ्ट सा बन गया है। दो कवर करके रखेंगे तकरीबन 1-2 घंटे। जो हमारा डबल हो गया, अब हम इसके बॉल्स बनाएंगे छोटी छोटी, इस तरह सब फ्लैट करेंगे बीच में। और अब हम इसके अंदर ये जो हमारा क्रीम चीज़ है, आपको डालना हो आप उसने अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इस तरह डाल के और हम इसको बंद करें सारी तरफ से। हमें स्मूथ सी बॉल बनानी है, हमारी बॉल बन गई है। इस तरह करके मैं सारे बॉल्स बनाऊंगी। हमारी बॉल इस तरह बन गई है। अब मैं इसको 1 घंटे के लिए कवर करके दोबारा रखेंगे, उसके बाद हम इसको ओवन में बेक करेंगे। बॉल्स थोड़ी बड़ी हो गई हैं, मैंने इसको जो दूध है इसको हम इसके ऊपर लगाएंगे। ये दूध के लगाने से एक अच्छा सा कलर आएगा। थोड़े से तिल हैं ये डालेंगे। इसको ओवन के अंदर 350 फारेनहाइट पे तकरीबन 20-25 मिनट्स अंटिल ऊपर से ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। इसको सर्व करेंगे इसके सिरप के साथ। सिरप के लिए हम पतीली के अंदर पानी डालेंगे, इसके अंदर हम चीनी डालेंगे। इसको हम उस वक्त तक पकाएंगे, ठीक हो जाएगा। सिरप जो है ठीक होना शुरू हो गया। अब हम इसके अंदर हनी डालेंगे और लेमन जूस डालेंगे। सो ये हमारे हनी बन रेडी हो गए। सिरप इसके ऊपर डाल ली हूँ और आप लोग इसको बनाइएगा और इंजॉय करिएगा। मैं इसको एक को काट के दिखाती हूँ। आपको चीज़ नज़र आ रहा होगा इसके अंदर। आप लोग इसको बनाइएगा और इंजॉय करिएगा।